नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग का गुना दौरा, यहां पर पत्रकारों से रूबरू होकर की चर्चा। वहीं कांग्रेस के नए अध्यक्ष राहुल गांधी के ऊपर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल को सिर्फ बनी बनाई स्क्रिप्ट पढ़ना आती है, उन्हें चलाने के लिए एक टीम चुनी गई है। सारंग यहां भी नहीं रुके और उन्होंने कांग्रेस की मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि यदि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को अध्यक्ष पद दे दिया गया तो आगे चलकर राजनीति में काफी चीजों पर विचार करना पड़ सकता है। अब राहुल जी क्या कर रहे हैं इस पर तो मुझे बहुत टिप्पणी नहीं करना, पर उनका ज्ञान कैसा है। आज ही उन्होंने ट्वीट किया है महंगाई को लेकर, जिसमें सभी मीडिया ने उसकी यथास्थिति बताई है। उनको भान नहीं है हिंदुस्तान का, उनको ज्ञान नहीं है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को। वो हिंदुस्तान की मिट्टी को नहीं पहचानते, वो हिंदुस्तान के धरातल को नहीं पहचानते। वो केवल स्क्रिप्टेड भाषण देते हैं, उनको एक टीम चला रही है। और मुझे बहुत आश्चर्य है कांग्रेस की, मुझे लगता है कांग्रेस की मानसिकता की ये बैंकरप्सी है कि ऐसे बहुत ही कमज़ोर बुद्धि वाले व्यक्ति को कांग्रेस अब अध्यक्ष बनाने वाली है। ये कांग्रेस की जो गुलामी की मानसिकता है उसका परिचायक है। वैसे ये उनका इंटरनल मामला है, राहुल जी कहाँ जाते हैं क्या करते हैं इस बात से हमें टिप्पणी नहीं करना, पर ये बात सही है कि राहुल जैसे नेता यदि हिंदुस्तान की बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो निश्चित रूप से देश की राजनीति में बहुत सारी चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा। सहकारी बैंकों को लोन के कुछ हिस्सों से बाहर रखा गया है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई कई योजनाएं जिनमें जो है सहकारी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इस बात को लेकर हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि MSME का जो एक योजना है उसमें सहकारी बैंकों को भी शामिल करें। हमारे केंद्रीय सरकार से बात चल रही है, हमें ऐसी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम उस परिधि में आ जाएंगे। अब सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, चुनाव में लंबे समय से बोर्ड का गठन नहीं हो पा रहा है, बोर्ड का गठन नहीं हो पा रहा है। नहीं देखिए, अब अलग अलग जगह अलग अलग स्थिति है, जहाँ गठन नहीं हुआ है कहीं कोर्ट का मामला है, कहीं कोरम की कमी का मामला है, तो इसलिए जल्द से जल्द हम प्रयास कर रहे हैं सभी जगह निर्वाचित बोर्ड बैठेगा। महाराष्ट्र की तरफ से बढ़ रहे चक्रवात के चलते शहर का मौसम आज कुछ अलग ही नजर आया, कभी पानी तो कभी ठंड। वहीं सुबह से स्कूल जाने वाले बच्चों का क्या हाल हुआ होगा, शासकीय स्कूल के बच्चों को आग तापते भी देखा गया। ऑल इंडिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन DSO 1 दिसंबर से विरोध दिवस मना रही है। वहीं ऑल इंडिया DSO के कार्यकर्ताओं की माने तो उनकी ये मांग है कि कक्षा 1 से पास फेल प्रणाली लागू होनी चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य और नींव अच्छी बन सके। इन्हीं मांगों को लेकर वह नगर पालिका के सामने विरोध प्रकट कर रही है। अधिकारों की बात करेंगे, अपने अधिकारों की मांग करेंगे और इन सभी को दबाने के लिए सरकार
7 दिसंबर तक विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है। दरअसल शीतकालीन सत्र में अभी शिक्षक अधिकार कानून 2009 जो लागू हुआ था उसके अंदर कुछ संशोधन पेश किए जा रहे हैं, जिसके तहत 5वीं 8वीं में परीक्षा करने का निर्णय लिया जा रहा है और उन कक्षाओं में जो छात्रगण पास नहीं हो पाते हैं तो उन्हें तैयारी करके दोबारा से पास करने के लिए नीति बनाई जा रही है। और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अगर छात्र पास नहीं होता है तो या तो उसे रोक दिया जाएगा या फिर ये काम राज्य सरकार पर छोड़ा जाएगा। तो ये जो संशोधन हुआ है ये दरअसल छात्र आंदोलन की एक तरह की जीत है, क्योंकि लंबे समय से छात्र आंदोलन पर ये मांग करता रहा है कि बोर्ड प्रणाली लागू होना चाहिए, साथ में पासवर्ड सिस्टम लागू होना चाहिए। लेकिन साथ साथ हम लोग ये भी मांग करते हैं कि कक्षा 1 से ही पासवर्ड सिस्टम लागू होना चाहिए। सिर्फ 5वीं 8वीं में परीक्षा करने से काम नहीं चलेगा, हर क्लास में परीक्षाएँ हों और हर क्लास में पासवर्ड सिस्टम लागू हो। इस मांग को लेकर 66 पूरे देश भर में आंदोलन चला रहा है। इसी को लेकर 21 दिसंबर को दिल्ली के अंदर बहुत बड़े स्तर का विरोध प्रदर्शन आयोजित होगा, जिसकी तैयारियाँ चल रही हैं। धरनावदा थाना अंतर्गत ग्राम कनारी में पारदी समुदाय की आपसी मुठभेड़ में एक पारदी शहजादी पुत्र दारा पारदी की गोली लगने से हुई मौत। सूत्रों की माने तो 12 तारीख को पेशी पर न जाने के लिए गवाहों पर धमकाने के लिए पहुंचे थे मोहर सिंह पारदी और अन्य। 12 तारीख को एक मर्डर की पेशी होनी थी जिसमें मोहर सिंह, मन्ना और सुलोचना पारदी मुलजिम है। मोहर सिंह और मन्ना पारदी की तरफ से पहले गोलीबारी हुई, उसके बाद दूसरे गुट ने गवाहों को बचाने के लिए गोलियां चलाई जिसमें एक पारदी सहजादी पुत्र धारा पारदी की गोली लगने से हुई मौत। बताया जाता है कि गुना पुलिस द्वारा धारा पारदी के ऊपर भी 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस बल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला, जिसके बाद मृतक पारदी को जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। किसने मारा? कैसे मारा है उसे? कितने लोग थे? कोई लड़ाई झगड़ा था क्या पहले से उससे? शहजादी से लड़ाई झगड़ा था क्या इन लोगों का? किस वजह से गोली चलाई मारा उसको? ये मोहर सिंह का समझ के मारा है भाई साहब, आप अलग से आप कुछ पूछो। मोहर सिंह का काम आगे से जैसे मोहर सिंह से दुश्मनी है, मोहर सिंह से दुश्मनी आप आसान साहब है, कभी आप ये इनके माँ बाप मुख्य है। किसने मारा? किसने मारा? घर नहीं था ये बात इनसे तो हाँ, इनको समझ के मारा है। मारा किसने था? किसने मारा? क्या नाम है उसका? क्या नाम है जिसने मारा? कौन है नाथुड़ा का लड़का? क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? अच्छा, गोली कौन ने चलाई? गोली श्री बल्ला और रॉकी और श्री बल्लम दोनों साथ में एक मोटरसाइकिल पे थे। अच्छा, मोटरसाइकिल आ रही थी। किस वजह से चलाई उस पे गोली? क्या दुश्मनी थी? हमारे तो दुश्मनी नहीं थी सर, दुश्मनी क्यों मारा उसको? डॉक्टरी में जा रहे थे सर, मेरे को राज भी था, युवराज भी था सर, वो तो कोई दुश्मनी में नहीं था। राम मारा क्यों? राम ये दोनों पार्टी समुदाय में जब मौके की सूचना मिली तो बच्चे पे गोली चल गई है, तो मौके पे गए तो वहाँ पे सहजादी को गोली लगी और उसकी डेड बॉडी को लेकर के कितने गुट में लोग, कितने लोग आ रहे थे वहाँ पे आपस में लड़ाई हुई? पाँच पाँच 8-10 लोग थे दोनों तरफ से फायरिंग हुई है मौके पे, पता लगा अभी आगे जाँच हुई। दोनों
के आजादी के घर पे मारे। पुलिस के वहाँ पर पुलिस मौजूद है, दो पार्टियां वहाँ पे हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर आज भाजपा जनों ने अंबेडकर भवन पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। वहीं उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में भी चर्चा की। भाजपा के जिला अध्यक्ष राधेश्याम पारिक ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छवि किसी जाति या धर्म की मोहताज नहीं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सभी लोगों को उनकी कही हुई बातों का अनुसरण करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी का निर्वाण दिवस है 6 दिसंबर। ये ऐतिहासिक दिन है समाज और राष्ट्र के लिए कि एक महापुरुष जिसने जीवन भर समाज को जोड़ने की, समाज को आगे बढ़ाने की और राष्ट्रवाद को प्रेरित करने के लिए जिन्होंने काम किया, आज ही के दिन इस संसार को, मृत्यु लोक को छोड़ करके और परमपिता परमात्मा के चरणों में उन्होंने अपने को लीन किया, ऐसे महापुरुष जिनके जीवन से प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म और मत संप्रदाय का मानने वाला हो, उसको उनसे प्रेरणा लेना चाहिए और जो उन्होंने बताया है मार्ग, उस मार्ग पर चलकर उनके विचारों को परिपुष्ट करें, परिपक्व करें और इस देश को मजबूत करें, भारतवर्ष को मजबूत करें। जिस काम को डॉक्टर अंबेडकर जी ने जीवन भर किया उसको हम अपने जीवन में उतारें। इसी हेतु हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे ने आज ये कार्यक्रम रखा था। राधोगढ़ के ग्राम प्रेमपुर कांजीपुरा में 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा के समापन के मौके पर चांचौड़ा विधायक श्रीमती ममता मीना और एसपी रघुवीर सिंह मीना भागवत कथा में पहुंचे और प्रसादी ग्रहण की। वहीं उन्होंने 2100 रुपए की राशि प्रदान की। 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा के समापन मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रही और भोजन ग्रहण किया। यहाँ पर त्रिवेणी जैसी संगम आप सब लोगों ने यहाँ पर आपने आपके गाँव में आके आपने यहाँ पर भारी और मुझे कथा नहीं कथा सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया, लेकिन फिर कभी आप लोग जब कथा करेंगे तो थोड़ा पहले एक दो दिन पहले ही आके कथा सुन लेंगे, क्योंकि कथा सुनने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है और कथा नहीं सुन पाए हम लोग। अगली बार हम ऐसा प्रयास करेंगे जब आप कभी कथा, क्योंकि आपका तो भगवान की तो कृपा है, अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो आप भागवत नहीं करा पाते, भगवान की तो कृपा है आप पे। और मैं भी हमारे भगवान से और यज्ञ नारायण भगवान से और मैं भी प्रार्थना करना चाहूँगी कि आपको खूब आशीर्वाद देके जाए, जितने मन के साथ, तन मन और धन के साथ आप सब लोगों ने ये ज्ञान रूपी गंगा कथा आप सब लोगों ने कराई है, भगवान आपके जो भी मनोकामना है वो आपकी शक्ति को नहीं, पूरे परिवार को भी नहीं, आस पास की जनता को इसका फल मिलता है। गांव और परिवार को तो मिलता ही है, लेकिन आस पास की जनता को भी कथा का, महायज्ञ का फल प्राप्त होता है। पहले अपने ऋषि महात्मा लोग अपने भक्तों पर परेशानी नहीं आए उसके लिए कथा और यज्ञ किया करते थे। आज आप बहुत बड़े भाग्यशाली समस्त ग्रामवासी कि आप लोगों को अगर भगवान का आशीर्वाद आप सब लोगों के ऊपर नहीं होता तो आप लोग कथा नहीं करा पाते। इसलिए भगवान का आशीर्वाद, भगवान का स्नेह आप सभी भक्तों पर है, तभी जाके आप यज्ञ करा पाए, तभी जाके आप सब लोग कथा करा पाए। और कथा को सुनने के लिए भी बहुत बड़ा भाग्य चाहिए, हमारी
भाइयों का बहुत बड़ा भाग है। आपके पुण्य कर्म है, आपको भगवान की भगवत ज्ञान रूपी गंगा आपको प्राप्त हुई है और इस कथा का महत्व महाराज जी के द्वारा विस्तार से आप सबको बताया होगा। उसको आपने एक शब्द को अपने हृदय में भगवान के चित्र के रूप में अपने हृदय में आप लोगों ने धारण किया होगा और जब भगवान का चित्र कथा के रूप में जब हृदय में धारण हो जाता है तो फिर वो अपन कभी नहीं भूलते और वो अपने अंदर एक वो जो भगवान कथा रूपी ज्ञान गंगा का जो अमृत अपन जब हृदय में पान करते हैं तो वो आप राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। अतिथि देवो भवा की मिसाल मकसूदनगढ़ में देखने को मिली। यहाँ मकसूदनगढ़ में आज एक विदेशी नागरिक रास्ता भटकने के कारण जंगलों की ओर जाते हुए देखा गया, जिसकी सूचना कुछ ग्रामीणों ने हमारे मकसूदनगढ़ संवाददाता टोनी शाह को दी। तो टोनी शाह उस विदेशी नागरिक के पास बड़ौद के जंगलों में उसकी मदद के लिए पहुंचे और उस विदेशी नागरिक से बात करने की कोशिश की। विदेशी नागरिक बहुत ही डरा शर्मा हुआ था और वह जल्दी से जल्दी जंगल की ओर जा रहा था। हमारे मकसूदनगढ़ संवाददाता ने उस विदेशी नागरिक को जंगल की ओर जाने से बहुत रोकने की कोशिश की, पर विदेशी नागरिक ने एक नहीं सुनी। तब जाकर जानकारी कलेक्टर राजेश जैन और एसपी गुना को दी गई। अधिकारियों ने मकसूदनगढ़ पुलिस को विदेशी नागरिक की मदद के लिए भेजा, तब जाकर विदेशी नागरिक को मदद मिल पाई। वहीं मकसूदनगढ़ पुलिस ने विदेशी नागरिक को अपने साथ ले गई। ठीक है, मिलते हैं। डीजे न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।